हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो यार आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज हम आए हैं GSM बजाज में, और दोस्तों आज जो बाइक का रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ आपको सामने दिखी रही होगी, जो कि हमारी बजाज पल्सर मैट ग्रीन नियोन एडिशन। दोस्तों 125cc में सबसे बेस्ट और सबसे पावरफुल बाइक है ये। अगर आप इसे कंपेयर करोगे होंडा की SP से तो दोस्तों वो काफ़ी हद तक इससे पीछे रह जाती है। और दोस्तों बात कर ले अगर प्राइस की, तो दोनों ही बाइकों में ज़्यादा पैसों का प्राइस डिफरेंस नहीं आता, बट दोस्तों ये बाइक आपको उससे कहीं ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ बेटर लुक और बेटर परफॉर्मेंस भी आपको देती है। तो दोस्तों आज हम इसी बाइक के बारे में बात करेंगे, बताऊंगा मैं इस बाइक की आपको एक एक डिटेल्स पूरी, साथ ही साथ इसके प्राइस, माइलेज, टॉप स्पीड, सारे फीचर्स आज डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को मिस मत करना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए दोस्तों यार बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ तो यार दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इस बाइक के लुक की, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर बजाज के हम और पल्सरों के नियोन एडिशन को अगर देखें तो उनके मुताबिक ये वाला कलर काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी यूनिक लगता है। दोस्तों इसका जो मैट और नियोन ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है वो दोस्तों काफ़ी हद तक इस बाइक की लुक को इन्हेंस करता है, देखने में काफ़ी प्रीमियम सा फील देता है, जिससे लुक वाइज ये बाइक बहुत ही बेटर और काफ़ी प्यारी लगती है। तो दोस्तों मेरी तरफ से तो ओके है पूरी ये बाइक डिज़ाइन और लुक के मामले में। अब बात कर लेते हैं हम इस बाइक के इंजन, पावर एंड परफॉर्मेंस की। तो इस बाइक में आपको 124cc का 4-स्ट्रोक 2-वाल्व ट्विन स्पार्क BS6 कंप्लाइंट DTSI इंजन मिल जाता है, जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर के साथ देखने को मिलता है। एंड इस बाइक में आपको 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है दोस्तों, जो कि 125cc में काफ़ी बेटर है। आपको इस बाइक में वाइब्रेशंस देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगी। साथ ही साथ अगर बात करें पावर की, तो इस बाइक में आपको 11.8 PS की पावर देखने को मिलती है। एंड बात करें इसके मैक्सिमम टॉर्क की, तो 10.8 Nm का इसमें आपको टॉर्क देखने को मिलता है। एंड ये बाइक आपको किक एंड सेल्फ दोनों में ही अवेलेबल हो जाएगी। बात करें अगर हम इसके फ्यूल कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 11.5 L का फ्यूल कैपेसिटी टैंक देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेस है। एंड बात करें अगर हम परफॉर्मेंस की, तो इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो दोस्तों आपको 105 km/h की देखने को मिलती है, जो कि अब तक कंपनी ने क्लेम किया है। एंड माइलेज की अगर हम बात करें, तो ये बाइक आपको 50 से 55 km/l की एवरेज दे देती है, अगर आप इस बाइक को अच्छे से ड्राइव करते हैं तो। अब चलते हैं हम इसके डायमेंशन की तरफ। तो दोस्तों बात करो अगर डायमेंशन की, तो इस बाइक में आपको जो इसकी लेंथ मिलेगी वो होगी 2042 mm की, एंड इसकी विड्थ 765 mm की। हाइट की बात करें, तो इसमें आपको 1060 mm की इसकी हाइट मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है 165 mm का। साथ ही साथ जो इसका व्हील बेस है वो है 1320 mm का। एंड बात करें अगर बाइक के वेट की, तो दोस्तों 142 kg का आपको इसमें बाइक वेट देखने को मिलता है। साथ ही साथ बात करें अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक वर्क की, तो दोस्तों इस बाइक में आपको जो लाइट सेटअप है वो सेम मिलता है जैसे कि इसके और मॉडलों में आता है। जैसा कि जो इसमें बेसिक है, इसका जो हेडलाइट है वो आपको हैलोजन देखने को ही मिलता है। टेल लैंप इसमें आपको LED मिल जाते हैं। टर्न सिग्नल लैंप इसमें आपको बल्ब देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको लो फ्यूल इंडिकेटर और साथ ही साथ इसमें आपको पायलट लैंप देखने को भी मिल जाता है। हाँ तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक के चेसिस एंड सस्पेंशन की। तो दोस्तों ये बाइक सिंगल डाउन ट्यूब चेसिस फ्रेम पर बेस्ड है। एंड साथ ही बात करें अगर हम इसके फ्रंट सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉक देखने को मिल जाते हैं। और बात करें अगर हम रियर की, तो रियर में आपको ट्विन गैस शॉक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। ऑफ रोडिंग के टाइम भी आपको झटके फील इसमें नहीं होंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके मीटर कंसोल की, तो इसका जो मीटर कंसोल है वो है दोस्तों डिजिटल प्लस एनालॉग, जिसमें आपका स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर आपको इसमें डिजिटल देखने को मीलता है। और इसका जो टैकोमीटर यानी कि RPM मीटर वो दोस्तों आपको इसमें एनालॉग देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इसमें आपको फ्यूल गेज और डिजिटल क्लॉक देखने को भी मिल जाता है। हाँ तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक के टायर एंड ब्रेक्स की। तो बात करें अगर इसके फ्रंट टायर की, तो फ्रंट में आपको 80x100 का 17 इंचेस का टायर देखने को मिलता है, जबकि रियर में आपको 100x90 का 17 इंचेस का ही टायर देखने को मिलता है। और इस बाइक के दोनों ही टायर आपको ट्यूबलेस मिलते हैं। एंड बात करें व्हील टाइप की, तो व्हील इसमें आपको अलॉय व्हील देखने को मिलता है। एंड अब बात करते हैं हम ब्रेक की, तो दोस्तों फ्रंट में आपको इसमें 240 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है, और रियर में आपको 130 mm का ड्रम प्लेट देखने को मिलता है। और दोस्तों इस बाइक में आपको ABS नहीं मिलता, इस बाइक में आपको CBS मिलता है, जो कि है हमारा कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। सो फाइनली अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। तो इसका जो प्राइस मैं बताऊंगा आपको, वो मैं बता रहा हूँ गुड़गांव के शोरूम का, यानी कि दिल्ली NCR का। तो दोस्तों इस बाइक का जो
एक्सशोरूम प्राइस है वो है 79,091 रुपीज़, एंड इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो पड़ेगा आपको 94,098 रुपीज़ समथिंग। साथ ही साथ अगर आप इसका विदाउट डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट खरीदते हैं जो कि ओनली ड्रम प्लेट के साथ आता है, वो आपको दोस्तों इससे कुछ समथिंग 2-3 हज़ार रुपये कम पड़ जाएगा। आप दोनों ही वेरिएंट देख सकते हैं, जो अच्छा लगे आप वो खरीद सकते हैं, बस आपको इसमें डिस्क ब्रेक का ही फर्क देखने को मिलेगा, बाकी सब कुछ इस बाइक में आपको सेम देखने को मिलता है। तो दोस्तों मेरी तरफ से ये बाइक काफ़ी बेटर ऑप्शन है, मैं आपको फिर बोलता हूँ। अगर आप होंडा एसपी शाइन 125 लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस बाइक को एक बार जरूर टेस्ट ड्राइव लेकर देखिए। इस बाइक में आपको होंडा से काफ़ी अच्छी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसका जो ये वाला कलर है, इसका लुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है, तो आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं, बाकी जो आपकी मर्जी हो। एंड इसी के साथ दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरीके की नई नई वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।